तो सभी साथियों को सेवा मंदिर की तरफ से एक बहुत बहुत नमस्कार। सेवा मंदिर में हम हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय हिंसा विरोधी पखवाड़ा 25 नवंबर से 10 नवंबर के बीच मना रहे हैं, जिसे हम उन्मुक्त के नाम से बुला रहे हैं। साथियों, हमारा प्रयास हमेशा बेहतर रिश्ते और संवाद बनाना रहा है, और हिंसा के खिलाफ हमारे सतत प्रयास हमें एक बेहतर समाज का निर्माण करने में मदद करते हैं। इस साल उन्मुक्त के तहत ब्लॉक पर होने वाली कार्यशालाओं के अलावा कुछ वेबिनार्स भी किए जा रहे हैं। इन वेबिनार्स का उद्देश्य हिंसा पर होने वाली कुछ नई चर्चाओं को आपके साथ करना है। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी श्री हरीश सदानी जी का, जो आज हमारे साथ हमसे अनलॉकिंग मैस्कुलिनिटी विषय पर बात करने के लिए जुड़े हुए हैं। साथियों, हरीश जी मेन अगेंस्ट वायलेंस एंड अब्यूज संस्था के को फाउंडर एंड चीफ फंक्शनरी हैं। आप लड़कों और युवाओं को मैस्कुलिनिटी एंड सेक्सुअलिटी और स्वस्थ रिश्तों से संबंधित मुद्दों पर मेंटरिंग करते हैं और सलाह देते हैं। वर्तमान में हरीश जी जेंडर विषय पर, खासतौर पर कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर कॉरपोरेट्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और गैर सरकारी संगठनों के सलाहकार और प्रशिक्षक भी हैं। एक लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन मैं इसी के साथ भी देना चाहती हूँ कि आज का सत्र यूट्यूब पर इस वक्त लाइव देखा जा रहा है, और हमारे बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स अलग अलग गांवों से यूट्यूब के माध्यम से आज के इस प्रसारण को देख रहे हैं और अपने प्रश्न वो साथी यूट्यूब पर पोस्ट करेंगे, जिसको मेरे साथी चारू यहाँ पर जूम पर पोस्ट कर देंगी चैट के अंदर। इसी के साथ सबसे पहले मैं आज निवेदन करना चाहती हूँ सेवा मंदिर के महासचिव श्री शैलेंद्र जी का, कि वे हमसे आज के सत्र की शुरुआत करें और आज के सत्र के बारे में थोड़ी जानकारी दें। ओवर टू यू शैलेंद्र जी। धन्यवाद वर्षा। सभी को नमस्कार। मेरी तरफ से, मैं भी सेवा मंदिर की ओर से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। और जो विषय मुझे दिया है बात करने के लिए, मैंने कभी प्रत्यक्ष रूप से उस पे काम नहीं किया है, मगर जो संस्था के अनुभव हैं और जो संस्था के में काम करने के दौरान जो मेरी सीख रही है, उस पे मैं अपने कुछ विचार रखूंगा और फिर हम सब हरीश जी को सुनेंगे। तो जो ये शब्द मस्कुलिनिटी जो कहा गया है, इसका शायद संबंध जो हिंदी में इसका अर्थ अगर देखा जाए तो इसे पौरुष से संबंधित जो, और मुझे लग रहा है जो अधिक ताकतवर है, या हम जो अंग्रेजी में कहा जाता है कि ज़्यादा मैनली है, बोल्ड है, एग्रेसिव है, उससे इसका अर्थ तात्पर्य निकलता है। और इसका अगर हम तो इससे ये लगता है कि जो मस्कुलाइन है वो ज़्यादा ताकतवर है, और जो कम मस्कुलाइन है वो रिलेटिवली कम ताकतवर है। और अगर इसका समाज में पावर स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये समझा जाता है कि दूसरों को जो दबा सकते हैं वो अधिक मस्कुलाइन है। और एक हद तक हमारे समाज में इसकी स्वीकृति भी है मस्कुलिनिटी की, कि इसके बिना काम नहीं चलता है, इसके बिना अनुशासन नहीं आए। जैसे हम कई बार संस्था में चर्चा करते हैं तो ये कहा जाता है कि भाई, जैसे बच्चों का एक साधारण एक उदाहरण हो सकता है कि बच्चों को मारने की, डांटने की हमारे समाज में आम मान्यता है, तो उनको अधिक मस्कुलिनिटी के साथ दबाया जा सकता है। और ये माना जाता है कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो बिगड़ जाएंगे। ये एक तरीके से एक एक जो पावर रिलेशन है उसका जो मुझे समझ में आया, उसके हिसाब से मैंने एक उदाहरण दिया। मगर इसके अगर काम करना है तो मुझे लग रहा है जो संस्था का जो उद्देश्य रहा है वो सभी मामलों में यही रहा है। जैसे संस्था का मिशन भी है कि उसमें गांव में सभी वर्गों के लोग मिलजुल के अपनी सामाजिक समस्याओं की चर्चा करें, और वो सबसे जो कमजोर हैं, सबसे वल्नरेबल हैं, उनके हित के लिए काम करें। और इसी तरीके से हम देखें तो जो महिलाओं का जो
वर्क है उसे दबाने की प्रकृति समाज में बहुत ही नेचुरल रूप से, ग्रामीण समाज में वो बात गहरी है। मैं लगभग 2000 के दशक में, 2000 वर्ष 2000 ही था वो, एक गांव है उदयपुर के समीप बियाल करके, मैं उस गांव में गया। वहां मैंने देखा कि हम जब बैठक में बैठे, मेरे साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के दो वॉलंटियर्स थे, उसमें एक लड़का था एक लड़की थे, तो वो दोनों भी चबूतरे पे बैठे और हम सभी ग्रामीण जन भी बैठे हुए थे, मगर मैंने देखा उस गांव में महिलाएं नीचे बैठी हुई थी चबूतरे से। तो मैंने पूछा भाई ये महिलाएं ऊपर क्यों नहीं बैठी, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे गांव की परंपरा है। तो मैंने थोड़ा सा अपना कहा कि भाई जब हम एक जाजम पे बैठे हैं तो एक जाजम पे पूरा गांव अगर बैठा है तो उसमें महिलाएं भी शामिल होनी चाहिए। तो अगर उस समय ऐसा नहीं कहा कि हमने कि भाई ये बैठक नहीं करेंगे क्योंकि ये अगर महिलाएं नहीं बैठती तो हम चले जाएंगे, मगर ये बात शुरू हुई संस्था में, उस गांव में भी बात शुरू हुई। और लगभग मैं करीब 8 साल 10 साल बाद पुनः उस गांव में गया तो चबूतरे पे महिलाएं भी बैठी हुई थी, मगर महिलाएं आगे बैठी हुई थी, घूंघट निकाला हुआ था, पुरुष पीछे बैठे हुए थे। तो एक तरीके से फर्क उसमें बैठने के दौरान भी था, मगर एक परिवर्तन तो मुझे लग रहा है शायद ये जो व्यवहार परिवर्तन का जो काम है उसमें समय लगता है, और शायद जो परंपरागत व्यवस्थाएं हैं वो रातों रात नहीं बदलती। तो और मगर हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जो वर्क जो हम कहते हैं जो लेस मस्कुलाइन है, या वो एक तो इसको स्वीकार करना धीरे धीरे कम करें खत्म करें, और दूसरा जो जो अधिक मस्कुलाइन है उनको ये एहसास दिलाया जाए कि ये जो व्यवहार किया जा रहा है एक विशेष वर्ग के साथ वो ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है ये जब एक मीटिंग पॉइंट पे आएंगे तो इस समस्या के हल की ओर हम लोग बढ़ सकेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, आपने कॉन्टेक्स्ट भी सेट किया और अपने एक्सपीरियंस भी बताए खासतौर पे सेवा मंदिर के परिप्रेक्ष्य से। और अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी हमारे ऑडियंसेस पार्टिसिपेंट्स को, मैं हरीश जी से अब रिक्वेस्ट करूंगी कि वे अपने अनुभव और इनसाइट से हमें ये बताएं और साझा करें कि हमारे लिए मर्दानगी या मैस्कुलिनिटी के बंधन और बोझ को समझना कितना मुश्किल है, हम इसे कैसे पहचाने और अपने आप को कैसे इससे मुक्त करें। हरीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत सेवा मंदिर की तरफ से और काफी धन्यवाद आज हमारे बीच में आप आए हैं। ओवर टू यू हरीश जी। धन्यवाद वर्षा जी और शैलेंद्र जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी आज के विषय के संदर्भ में। तो सबसे पहले सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं कि इस चर्चा में, इस संवाद में आप शामिल हैं, अलग अलग विभागों से जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में। तो सबसे पहले वो डाल 16 दिन का ये जो पखवाड़ा है देते हैं। जो 25 नवंबर से, हेलो मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? जी आपकी आवाज आ रही है हरीश जी। तो ये 16 दिन का जो पखवाड़ा पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशंस के इनिशिएटिव से मनाया जा रहा है कि इसे महिला हिंसा विरोधी पखवाड़ा बोला जाता है। तो 25 नवंबर से जो शुरुआत हुई वो 10 दिसंबर जो मानवीय हक दिन है पे समाप्ति हो रही है। तो 16 दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच कोशिश कर रहे हैं कि महिला हिंसा विरोध जो हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए और साफ और ज्यादा एक नजर से हम देखें। तो हम जिस के ऊपर बोल रहे हैं कि गांव पर बोल रहे हैं हिंसा, ये जो हिंसा है ये जी हम सॉरी आपकी आवाज में बंगाली थोड़ा सा अभी लैग आ रहा है, आप थोड़ा इंटरनेट का इशू लग रहा मैं है तो। हाथ में मोबाइल लेके, अभी अभी आ रहे हैं क्या क्लियर? बेटर है पहले से बेटर है। तो ये जो हिंसा है इसका
स्वरूप हमें समझना है सबसे पहले कि ये हिंसा जो है ये इसका संबंध जैसे कि शैलेंद्र जी ने बताया कि एक तो औरत मर्द का रिश्ता समाज में क्या है, उससे जुड़ा जुड़ी हुई ये बात है कि जो पावर रिलेशंस हैं औरत और मर्द में वो अनइक्वल, और ये अनइक्वल है ये एक दो सालों से नहीं कई सालों से, यहाँ समाज का जो हमारा जो स्वरूप है उनसे होते हैं कि पुरुष प्रधान समाज, जो जो समाज पुरुष को विशेष अधिकार देता है, जो जो कहता है कि पुरुष हमेशा आगे होने चाहिए, औरत के कुछ कदम आगे होने चाहिए, हर मामले में आगे होने चाहिए। तो ये जो समाज में कई सालों से है तो समाज के सभी वर्ग इस चीज को बढ़ावा देते आ रहे हैं कि पुरुष को प्रधान और औरत के ऊपर नियंत्रण, जिस समाज को हम बोलते हैं पितृसत्ता ढांचे पर आधारित समाज, जहां सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, सत्ता एक पुरुष से दूसरे पुरुष की ओर और दूसरे पुरुष से और किसी पुरुष के तरफ ही सत्ता का हस्तांतरण, सत्ता का ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा हमारा समाज। तो समाज के सभी अंग अगर इस चीज को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि परिवार नाम की संस्था, जो एक लड़के के लिए प्रेफरेंस, लड़का ही चाहिए इसके लिए हरचंद कोशिश कर रहा दिख रहा है। फिर देखते हैं धर्म नाम की चीज है, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें जो 5000 साल पुराना है, तो 5000 साल से कुछ बातें हो रही है समाज में, कि समाज का नियम है वो कैसे चलना चाहिए। हम देखते हैं कि अलग अलग मिथ्स और मिथकों द्वारा, कहानियों द्वारा, रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों द्वारा भी, और बाद में हमने देखा है कि मनुस्मृति नाम का ग्रंथ है, इसका भी प्रभाव समाज पे होते हुए दिख रहा है कि समाज में औरत को कैसे निचला दर्जा और नियंत्रण रखना चाहिए। इस तरह की बातें अलग अलग धर्मों ग्रंथों द्वारा भी से हम चलते हुए देख रहे हैं। फिर धर्म के समाज के जो और तीन जो घटक हैं जो इस चीज को बढ़ावा देते हैं, उसमें शिक्षा नाम की संस्था है, शिक्षण संस्था। फिर हम देखेंगे कि राज्य संस्था जो ना सरकार चलाने में, फिर वो छोटे लेवल पे सरकार हो या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लेवल पे या राज्य लेवल पे या हम केंद्र सरकार की बात करें, वहां पे भी ज्यादा से ज्यादा पुरुष को विशेष अधिकार और प्रिविलेज जिसे हम बोले वो मिलते आ रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। आज भी हम देखेंगे कि देश के बारे में फैसले करने की जो बात है, संसद है, उस संसद में महिलाओं का प्रमाण जो है वो लगभग 11% ही रहा है गए 70 सालों में, ये 11% के ऊपर बढ़ा ही नहीं है। यानी कि देश के बारे में निर्णय फैसले लेना ये ज्यादा से ज्यादा पुरुष ही ले सकता है, इस तरह की सोच आज भी बरकरार है। और समाज का जो पांचवा अंग है हम जिसे बोलेंगे माध्यम संस्था या मीडिया, ये भी अलग अलग तरीके से कैसे पुरुष को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले इसके बारे में कोशिश करते आ रहा है। तो ये जो समाज के सभी अंग है जो इस समाज को पुरुष प्रधान समाज बनाते हैं, तो अगर हम देखा जाए तो ये एक तरह से औरत के साथ जो भेदभाव अलग अलग तरीके से इस तरह की व्यवस्था अगर है तो औरत को जो द्वितीय दर्जा दिया जाता है और पुरुष को एक आगे का स्थान, तो ये जो बात है ये अगर हम कई सालों से देखते हुए देख रहे हैं तो इसमें जो मर्दानगी की सोच कई सालों से है, कहीं तो भी अगर हम महिलाओं के साथ भेदभाव या महिलाओं के साथ हिंसा इसकी जब बात करते हैं तो कहीं तो भी पुरुषों का नजरिया औरत के प्रति देखने का वो अगर प्रश्न के मूल तक है, प्रश्न की जड़ तक है,
तो हमें उसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। क्या हुआ है कि 1975 साल जो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष था, तब से लेके पूरे विश्व में जगह जगह पे यही कोशिश आ रही है कि महिलाओं को कैसे सक्षम बनाया जाए, महिलाओं पर हो रहे जो अत्याचार, हिंसाचार, भेदभाव, इनको मिटाने के लिए महिलाओं के साथ कैसे काम किया जाए, महिलाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा सक्षम बनाया जाए, इसके ऊपर कोशिश हो रही है। तो ये कोशिश जारी रहनी चाहिए, ये मैं कहूंगा। लेकिन साथ ही साथ इस प्रश्न का भाग अगर पुरुषों का नजरिया है, जो भेदभाव का प्रश्न है, जो हिंसा का प्रश्न है, महिलाओं पर हो रहे भेदभाव या महिलाओं पर हो रहे हिंसा का प्रश्न है, इसकी जड़ अगर पुरुषों का नजरिया इसमें शामिल है, तो हमें पुरुषों को भी इस समस्या निवारण में हिस्सा लेना चाहिए। प्रश्न का भाग अगर पुरुष है, यानी कि पुरुषों का नजरिया, तो प्रश्न निवारण का भाग भी पुरुष होने चाहिए। तो ये जो बात है, ये सोच के मैंने और मेरे साथियों ने 27 साल पहले ये जो संस्था है मैन अगेंस्ट वायलेंस एंड अब्यूज, इसकी स्थापना की थी। और हम गए 27 साल से यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से महिलाओं को सक्षम बनाना और औरत मर्द में समानता लाने के लिए कोशिश हो रही है, उसी तरह पुरुषों के साथ, लड़कों के साथ भी हमें बातचीत करनी चाहिए। पुरुषों को, लड़कों को भी समस्या निवारण का पाठ अगर हम बनाएं और वो इस पूरी जो भागीदारी है, अगर हमें एक हिंसा मुक्त समाज चाहिए, अगर हमें समानते पर आधारित एक समाज चाहिए, तो उसकी जड़ पे अगर काम करें, तो ज्यादा से ज्यादा पुरुषों को सहभागी करें, तो हमारी लड़ाई और आगे बढ़ जाए। क्योंकि हमें एक सोचना चाहिए गौर से कि इस पूरी लड़ाई जो है असमानता की, इसकी इसके अंदर हमारा शत्रु कौन है, हमारा जो विरोध जिसे करना है वो पुरुष हमारा शत्रु है क्या? तो इसका जवाब है ना। हमारा शत्रु जो है पुरुषों का नजरिया, जो हम बोलते हैं वर्चस्ववादी, ऐसा है कि जो औरत को या दूसरे और समाज के वर्ग को भी अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, जो एक मालक करके अपने आप को एक मालिक की नजर से देखता है, जो औरों के ऊपर रोब जमाए, औरत के ऊपर कंट्रोल करे, नियंत्रण करे, इस तरह का जो नजरिया है, ये प्रश्न की जड़ में है और ये हमारा शत्रु है। ये हमारा दृष्टिकोण जो है, ये अगर हमारा शत्रु है तो ये दृष्टिकोण हमें बदलना चाहिए। ये जो नजरिया है इसको हमें कहीं तो दूर करना है। तो हमें अगर गौर से देखा जाए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे जो पुरुष प्रधान समाज है, इसमें एक तीन तरह के मार्कर या निर्देशक हैं, पुरुष होने के बारे में। जब भारतीय समाज में किसी एक लड़के ने जन्म लिया है, तो ये तीन बातें उसको अलग अलग तरीके से सिखाई जाती हैं, जो हम बोल सकते हैं कि मर्दानगी की सोच में जिस चीज को बढ़ावा मिल रहा है। तो एक है कि मर्दानगी जब हम बोलते हैं, तो उसका संबंध है, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे परफॉर्मेंस, मतलब अपना रोल अदा करना है, हमें परफॉर्म करना है। तो पुरुष को एक अपना रोल जो है जीवन में अदा करना है, तो वो कैसे अदा करता है, इस पर लोग उसे कि ये अच्छा मर्द है या बुरा मर्द है, इस नजर से देखते हैं। तो अदा करना मतलब क्या, कौन सा रोल अदा करना है, कि हम जो बोलते हैं कि पुरुष को हमेशा प्रोवाइडर, मतलब उसे सबकी देखभाल करने वाला, उसको सबसे ज्यादा मेन कमाने वाला घर पे, और कुटुंब के, परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करता है, जिसको हम हिंदी में भी या मराठी में हम बोले कर्ता, जो मेन कर्ता है उसका रोल उसे अदा करना है। इसके बारे में उसके ऊपर बचपन से लेके बोला जाता है कि तुम्हें सबको, सबकी निगरानी रखनी है, सब पे तुम्हें देखभाल करना है। तो एक हमेशा प्रेशर पुरुषों के अंदर कई सालों से बना रहता है कि उसे घर का जो मेन मुखिया, घर का जो मेन ब्रेड अर्नर,
ये रोल उसे अदा करना ही है। तो जो पुरुष कोशिश कर रहे हैं इस रोल के लिए लेकिन वो अदा नहीं कर पाते, वो अपने आप को मानेंगे कि मैं कम असल पुरुष हूँ, मैं थोड़ा कम हूँ। तो और का रोल उसके साथ जुड़ा है, अच्छा पुरुष को बोला जाता है कि तुम्हें हासिल करना है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा यू नो उपलब्धि करनी है, कैसे तुम्हें हमेशा जीतना है यू नो। तो ये जो है तुम कैसे हासिल करते हो ये बोला नहीं जाता, इसको महत्व नहीं है यू नो। इम्पोर्टेंट है तुम्हें हासिल करना, तुम्हें जीत कर लाना है, तुम्हें ना सुनने की आदत नहीं होनी चाहिए। ये उसको अलग अलग तरीके से, और जो ये रोल है प्रोवाइडर और प्रोवाइडर के साथ साथ है प्रोटेक्टर का रोल कि रक्षणकर्ता, तुम्हें रक्षण करना है औरतों का लड़कियों का, ये बात भी अलग अलग तरीके से बचपन से पुरुषों को बताई जाती है। तो रक्षण करना मतलब क्या कि हम बहुत बार उदाहरण देते हैं कि एक 14-15 साल की लड़की घर की, अगर उसे घर के बाहर दुकान में कुछ लाना है खरीदना है तो उस लड़की को ज्यादातर अकेले नहीं भेजा जाता, उसको किसी ना किसी लड़के के साथ पुरुष के साथ ही भेजा जाता है। फिर वो लड़का वाले इसे कम उम्र का है, ये हम देखते हैं कि नहीं, इस तरह का उदाहरण। वो लड़का जो खुद ना समझ है लेकिन उसको एक लड़की के साथ कहीं भी जाना हो तो साथ में जाना है, मतलब एक तरह से उसको एक रोल मन में दिया जाता है कि तुम्हें देखो इस लड़की की सुरक्षितता तुम्हारे हाथ में, इस तरह का एक नजरिया उसको बचपन से ही बताया जाता है। हमें दरअसल क्या होना चाहिए, सुरक्षा करनी है तो औरत के देह की नहीं, औरत के शरीर की रक्षा नहीं, हमें रक्षा करनी चाहिए उस अधिकार की जिससे वो औरत को वंचित रखा जा रहा है। अगर हमें घूमने फिरने का संचार का अधिकार है तो वो घूमने फिरने का अधिकार जिसका हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, उस अधिकार या हक के रक्षण के लिए हमें लड़ना है, हमें औरत के देह की रक्षा नहीं करनी। ये बात हमें कभी बचपन से अलग अलग तरीके से बताई नहीं जाती, हमें बताया जाता है तुम पुरुष हो और तुम्हें तुम्हारे परिवार की इब्रत की रक्षा करनी है, इसीलिए औरत को हमेशा यू नो कंट्रोल में रखो, औरत हमेशा यू नो एक पाबंदियों में रह रही है यू नो, ये उसे अलग अलग तरीके से बताया। तो ये पहला जो है परफॉर्मेंस, ये जो अदा करने वाला रोल पुरुषों को, ये हमारा एक बड़ा मापदंड या निर्देशक है इस भारतीय समाज। दूसरी बात है कि हम बोलते हैं कि पुरुषों को हमेशा बोला जाता है कि आप जोखिम ले लो, आप रिस्क ले लो, आप चैलेंजेस ले लो। जो पुरुष चैलेंजेस लेता है, रिस्क लेता है, वो असली मर्द है, इस तरह के अलग अलग तरीके से हमें बताया जाता है। अभी मुंबई जैसे जगह में आप देखेंगे कि पुरुषों में अगर ज्यादा से ज्यादा तेज बाइक चलाना, इसके लिए प्रेशर्स डाले जाते हैं कि जो सबसे ज्यादा तेज बाइक चलाएगा वो असली मर्द है यू नो। हमारे यहाँ साउथ बॉम्बे में आप देखेंगे हर रात को 11:30-12 बजे लड़कों, जो 16-17 साल के लड़के हैं, इनमें एक तरह की स्पर्धा या कंपटीशन रहती है कि कौन सबसे ज्यादा तेज गाड़ी चलाएगा। तो एक तरह से जोखिम भरा व्यवहार अगर कोई करता है तो वो एक अच्छी मर्दानगी की निशानी है। हम देखते हैं कि अलग अलग त्योहारों में भी इसके बारे में उदाहरण देखते हैं कि अगर हिंदुओं में जो गोकुल अष्टमी या जन्माष्टमी का त्योहार होता है तो मुंबई जैसे जगह और मुझे लगता है कई और जगह में भी हम देखते हैं कि मानवीय पिरामिड ऐसे बनाए जाते हैं कि कुछ पुरुष सर्कल में खड़े रहते हैं, उनके ऊपर और पुरुष खड़े रहते हैं और ऐसे जो उनका थर ऊपर से मतलब ऊपर जो मटकी फोड़ना है जो दही की, वो मटकी फोड़ने के लिए जितने ज्यादा ऊंचाइयों पर हम चढ़े एक दूसरे के ऊपर
उतना हमारे लिए अच्छा मर्द की निशानी है, ये ऐसे माना जा रहा है। और हम देखते हैं कि एक छोटे से छोटा बालक है, लड़का है, उसको ऊपर चढ़ाया जाता है। ये अगर हिंदुओं के त्योहार में है, मुस्लिमों में जब मुहर्रम का त्योहार होता है, मुहर्रम में अगर हम देखते हैं कि लड़के ने ज्यादा से ज्यादा दर्द बर्दाश्त करना चाहिए, इसलिए उसको हेड पे या तलवार से या किसी ऐसे वार करके जो बहर और जितना हम बर्दाश्त कर सकें, वो एक अच्छे मर्द की निशानी है। तो ये अलग अलग तरीके से जोखिम भरा व्यवहार करना जो मापदंड है। और तीसरा मापदंड हम देखते हैं निर्देशक, या हम बोल सकते हैं मार्कर, जो मर्दानगी का है हमारे समाज में, वो है कि अगर आपने पहला जो मापदंड है कि जो हासिल नहीं किया, जो रूल है हमेशा जो उपलब्धि, तो फिर आपको सहारा लेना है हिंसा का। तो अगर आपने हमेशा जीतने के लिए कोशिश की लेकिन आप नहीं जीत पाए, आपने हमेशा सक्सेस मिलने के लिए कोशिश की, जो आपको बोला जा रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा यशस्वी होना है, तो अगर आपको यश नहीं मिला, आपको रिजेक्शन मिला जिंदगी में, तो वो अगर अलग अलग तरीके से आपको मिला है, तो वो अगर आप बर्दाश्त नहीं कर पाए एक पुरुष होने के नाते, तो फिर आपको फिर पुरुष सहारा लेता है हिंसा का। एक मिनट, मम्मी पैसे दे जरा। तो पुरुष सहारा लेता है हिंसा का, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाता है किस तरह से अपनी जो भावनाएं हैं कि देखो मैं कैसा मर्द हूं, मैं हासिल नहीं कर पाया मुझे जो चाहिए था। और फिर हम देखते हैं कि पुरुषों में अकेलेपन आ जाता है और वो फिर अलग अलग चीजों का सहारा लेता है, जैसे कि एडिक्शन हो या फिर हिंसा पे। अगर वो उतर आता है तो वो हिंसा सामने वाले पे करता है या स्वयं पे। तो इस तरह का हम देखते हैं कि एक नजरिया जो हिंसा के बारे में। तो ये तीन मापदंड हम देखते हैं जो आम पुरुषों के ऊपर अलग अलग तरीके से समाज बताते आ रहा है कि तुम्हें ये तुम्हारा रोल है, तुम्हें इस तरह से बर्ताव करना है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो एक मर्दानगी की सोच है, ये एक तरह से नियंत्रण रखने वाली महिलाओं पर, और साथ ही साथ अपने खुद के ऊपर भी एक तरह से अलग अलग तरीके की भूमिकाओं में जाने के कारण पुरुषों पर भी इस तरह की जो भूमिका वो अदा कर रहे हैं, इसका असर पुरुषों पर भी हो रहा है। तो बहुत बार क्या हो रहा है कि ये पुरुषों के द्वारा अगर पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के नजरियों द्वारा अगर महिलाओं के साथ जाति हो रही है, अत्याचार हो रहा है, तो ये एक तरह से भेदभाव औरतों पे होते हुए दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये पुरुषों पर भी ये जो व्यवस्था है, ये अलग अलग तरीके से दिक्कतें पैदा करती, एक अच्छा इंसान बनाने से रोकती है। मतलब मैं उदाहरण देता हूँ कि हमें अलग अलग तरीके से बोला जाता है कि जैसे ही लड़का 14-15 साल का है, उसे बोला जाता है कि तुम लड़कियों के जैसे क्या बातें करते हो। जब वो व्यक्त करने लगता है, जब वो कैसे उसने कुछ मिल हासिल किया, तो जिस तरह से वो अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करने लगता है जिस उम्र में, उसे अलग अलग तरीके से दबाया जाता है कि तुम लड़कियों जैसे बातें मत किया करो। क्या अगर पुरुष अपने भावनाओं व्यक्त करने के लिए अगर रोने भी लगे, तो आम लोगों के सामने पुरुष ने रोना नहीं चाहिए। पुरुष ने अपने जो एंग्जाइटी है, अपने अंदर की जो प्रश्न हैं या चिंताएं हैं, वो खुलकर व्यक्त नहीं करनी चाहिए। ये उसे अलग अलग तरीके से बताया जाता है। तो मुझे लगता है ये जो एक तरह से सप्रेशन ऑफ इमोशंस है, इसका असर भी पुरुषों पर हो रहा है, जो नेगेटिव है।
जो दुष्प्रभाव है, तो ये हमें जान लेना चाहिए कि जैसे एक्सपेक्टेशन है, औरतों के बारे में जैसे कुछ ख्याल आते हैं औरतों ने ऐसे होना चाहिए, वैसे पुरुषों के बारे में भी जो ज्यादा से ज्यादा सोच और हजारों सालों से जो सोच आ रही है, इसका असर पुरुषों पर भी हो रहा है कि जो पुरुष बेरोजगार हैं, कमा कर नहीं ला रहे हैं, या हम किसानों की बात कर, जो किसान के बारे में हम फलाना किसान वो ज्यादा तक आर्थिक कारण है, पैसे का कारण बोला जाता है कि देखो उसको उसके फसलों को दाम नहीं मिला या वो कर्ज बाजारी हो गया, इसीलिए उस किसान ने आत्महत्या की। लेकिन कहीं तो उस आत्महत्या के पीछे ये जो मानसिक कारण कि पुरुष साल हो गए 2 साल हो गए वो किसान कुछ कमा नहीं रहा है, वो कमा नहीं रहा है, इसके इसका अर्थ ये भी हो वो ले रहा है। हरी जी, आपका इंटरनेट अभी थोड़ा वीक लग रहा है, आवाज भी नहीं आ रही है। आई रिक्वेस्ट अगर आप वीडियो ऑफ करके फिर बात करेंगे शायद इंटरनेट बेटर सुनाई देगा, मतलब आपकी आवाज बेटर सुनाई देगी। आपका वीडियो ऑफ करके फिर बात कर लीजिएगा, इंटरनेट विल बेटर सपोर्ट। अभी आवाज आ रही है, थोड़ा इंटरमिटेंट है, बीच में बिल्कुल चली गई थी आपकी आवाज। अभी आप कुछ ट्राई करिए, आप इफ यू कैन स्पीक हरीशी। या तो मैं बोलने जा रहा था कि ये जो पुरुषों के ऊपर जो प्रेशर्स होते हैं कि उसे हमेशा परफॉर्म करना है, अपना रोल अदा करना है, तो इसका असर पुरुषों पे भी नेगेटिव होता है, न केवल उसको क्षति औरत पे पहुंचती है लेकिन पुरुषों पर भी एक तरह का प्रेशर्स है कि वो अपने आप को ऐसे मान लेता है। तो साधारण उदाहरण मैं देता हूँ कि हमारे समाज में अगर दो आम आदमी हैं तो वो जिस तरह से बात करती हैं, अपने घर के बारे में बोलती हैं, निजी बातों के बारे में बोलती हैं, दो अजनबी औरतें भी अगर सफर में मिलती हैं कहीं तो वो जिस तरह से खुलकर बातें करती हैं, तो साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं कि इट इज अ वेरी हेल्दी साइन, कि अपने आप को व्यक्त करना, जैसा चाहिए वैसे व्यक्त करना। तो ये बातें अगर दो पुरुषों के बारे में बोला जाए, तो दो अजनबी पुरुषों का छोड़ो लेकिन जो बहुत ही करीबी दोस्त हैं अपने आप को मानते, वो भी इस तरह से खुलकर बोलते हुए नहीं दिखाई देते। मतलब अगर समझो एक पुरुष है जो विवाहित है और उसके घर पे उसकी बीवी के साथ थोड़ी अनबन हुई, तो ये हम बहुत कम बार देखेंगे कि ये पुरुष जो विवाहित है ये अपने बहुत ही करीबी दोस्त से इस तरह से खुलकर बोल रहा है कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, तो ये जो है जिसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पुरुषों के अंदर, ये बढ़ने के लिए बचपन से ही अलग अलग तरीके से उसे रोका जाता है कि ये डेवलप ना हो। कि जैसे ही 14-15 साल का लड़का बताने लगता है कि उसने क्या क्या हासिल किया ये तो बताता है, लेकिन उसे कैसे लगा, उसके फीलिंग्स क्या है, उसे कैसे लगा और तो औरों को कैसे लगा, मतलब जहां पे एक्सप्रेशन है, थॉट्स का है, फीलिंग्स का है, इमोशंस का है, वो जैसे ही ये बोलने लगता है उसको अलग अलग तरीके से अड़ोस पड़ोस के लोग बोलते हैं क्या तुम लड़कियों जैसे बातें। तो मुझे लगता है कहीं तो ये हमें अगर ध्यान में रखना है कि हम चाहते हैं कि पुरुष ने औरतों के हक के लिए, औरतों के सुरक्षा के बारे में खड़े होना चाहिए, ये अगर हमारी अपेक्षा है, तो अगर पुरुष अपने बारे में खुलकर इतना नहीं बोलता जो फीलिंग्स के बारे में, तो वो औरतों के फीलिंग्स के बारे में बोलना ये आगे की बात, लेकिन पहले तो है उसे अपने खुद के बारे में, उसे जैसा लग रहा है
वैसे व्यक्त करना, और अपेक्षा क्या की जाती है कि पुरुष ने हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, कोई भी नकारात्मक स्थिति में अगर वो गया भी तो उसे खुद निपटना है, उसके बारे में बातचीत नहीं करनी, ये उसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो मुझे क्या लग रहा है कि अगर पुरुष खुलकर ये बोलने लगे अपने अंदर के जो भी फीलिंग्स हैं, उसमें हमेशा पॉजिटिव चीजों के बारे में नहीं, लेकिन जो अगर उसका इनर टर्मोइल है, उसका खुद का जो मन के अंदर आक्रोश है, मन के अंदर जो अलग अलग तरह का एक आंदोलन हो रहा है, वो अगर उस शब्दों के जरिए या अन्य चीजों के जरिए सामने वाले पुरुष के साथ वो बोलने लगे, बातचीत करने लगे, तो कहीं तो एक कदम आगे होगा, क्योंकि फिर हम वो पुरुष है अगर वो खुद अलग अलग चीजों से जा रहा है तो उसे थोड़ा एहसास होगा कि हमारे घर के दूसरे सदस्य जो समाज का एक दूसरा वर्ग इक्वली है महिलाओं का, वो किन चीजों से जा रही है। जब वो खुद व्यक्त करने लगेगा और बोलेगा कि मुझे इस तरह के स्थिति से जाना पड़ रहा है, तो जो हर मरा इस चीजों से जिसे जूझना पड़ रहा है, तो उसकी स्थिति क्या है। मुझे क्या लग रहा है कि एक तो ये कॉन्वर्सेशन जो है, जिस कॉन्वर्सेशन में हमेशा पुरुषों को अलग रखा जाता है, उसे विकसित नहीं किया जाता, ये कॉन्वर्सेशन बढ़ने चाहिए, तो एक ये है बात। दूसरा मुझे क्या लग रहा है कि हम जो बोलते हैं कि हमारा कोई भी अलग तरह का विचार अगर कोई रख रहा है, तो वो विचार सामने वाले को रख देने का एक मौका मिलना चाहिए। हमें अगर भले उसके राय से सहमत ना हो कोई भी चीज के बारे में, तो वो अलग राय क्या है, एक तो ये जान लेना, समझ लेना, तो जो बोलते हैं ना कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, ये अलग अलग ओपिनियन सबके होंगे किसी भी मामले में, तो उसी तरह से औरत के जो भी विचार हैं उसे ध्यान में सुनकर, अगर मेरे विचार उससे अलग हैं तो कैसे अलग हैं, ये खुद एक टटोलना, ये मुझे लगता है कहीं तो होना चाहिए। एक नॉन थ्रेटनिंग स्पेस, एक स्पेस, एक ऐसा अवकाश जहां पे सामने वाला भी अपनी बात रखे और मैं भी अपनी बात रख सकूं, इसके ज्यादा से ज्यादा कोशिशें होनी चाहिए। हम बहुत बार बोलते हैं ना कि बचपन से ही लड़का जो है उसे औरत के प्रति सम्मान, और हम बोलते हैं कि एम्पथी, मैं इसके व्यक्ति के जगह पे होता, ये जो सह अनुकंपा बोल सकते हैं, कि ये बढ़ने के लिए हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, तो हम आसपास अगर देखेंगे कि महिलाओं के साथ हिंसा भेदभाव ज्यादा हो रहा है और वो करने वाले अगर ज्यादातर पुरुष हैं, तो फिर ये पुरुषों की ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि हमारे आसपास, हमारे समाज में महिलाएं जो किसी भी तरह के असुरक्षितता से ना जिए, ये पुरुषों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। तो ये कहीं तो भी एहसास अगर है, अगर मैं बचपन से लाना है कि पुरुषों को इस तरह की सोच के औरत के प्रति सम्मान, औरत के प्रति एम्पथी, ये अगर हो, मतलब जैसे कि लड़का अगर जैसे बड़ा होता जा रहा है परिवार में और वो देखता है कि उसके पिताजी हैं वो घर के बाहर जाते हैं, वो कमा कर लाते हैं और उनके प्रति एक अलग सा आदर भाव है, लेकिन घर के अंदर जो औरत सवेरे से लेके रात तक काम करती है, जिस काम को काम करके नहीं माना जाता, जिस काम को जिसे हम बोलते हैं इनविजिबल है, और ये एक जो हम देखते हैं कि काम जो है भारत जैसे देशों में हम देखा जाए तो औरतें जो काम करती हैं घर के अंदर, उस काम को ज्यादा से ज्यादा रिकग्निशन नहीं है, उस काम को तीन गुना चार गुना पुरुषों से वो घर का काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन क्या है, वो जो लड़का परिवार में है वो अपनी जिंदगी की औरतों के इस काम की कदर करता है,
ये उसे बचपन से अगर बताया जाए कि जिस तरह से तुम्हारे पिताजी बाहर जाते हैं, कुछ कमा कर लाते हैं, ये जितना महत्व का है उतना ही घर के काम में औरत का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये बचपन से ही अगर उसे सिखाया जाए तो कहीं तो भी आगे जैसे वो बड़ा होगा उसकी जिंदगी में जो भी औरतें आएंगी उनके प्रति उसका देखने का नजरिया फिर एक सहमति की ओर और एक सम्मान से इक्वल की तरफ देखने की ओर जा सकता है। तो कहीं तो ये एक इसकी नींव और जड़ें बचपन से ही हमें करनी। तीसरी बात है कि एक जो शब्द हम बोलते हैं बाय स्टैंडर्स, आजकल हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ कोई भी हिंसा अगर खुले स्पेस में होती हुई दिखाई, बहुत बार लोग देखते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते, इंटरवीन नहीं करते, तो हमें उनसे क्या लेना देना। और ये बात जो है वो औरों के साथ हुई है, मेरे साथ तो नहीं हुई है। और फिर ये है कि मन के अंदर ख्याल आना कि मैं अगर उस समय हस्तक्षेप करूं तो न जाने मेरे ऊपर कुछ हो जाए, या इस तरह के विचार जो पुरुषों के मन में जो देख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते, ये दिन ब दिन बढ़ते हुए दिख रहा है। हम पहले ये शहरों में ज्यादा दिखाई देते थे लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में भी ऐसे अगर कोई घटनाएं हमारे आंखों के सामने होती हैं लेकिन उस पे हस्तक्षेप करना पुरुषों को इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। तो मुझे क्या लग रहा है कि जब पुरुष इसके अंदर थोड़ा सा विचार करके जो एक रिस्पॉन्स दे कि बाबा ये मेरे सामने जो हो रहा है, हमें बहुत बार उदाहरण दिया जाता है कि औरतों के बारे में हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो किसी ना किसी की बेटी है, किसी ना किसी की माँ है, किसी ना किसी की बीबी है, लेकिन हमें ऐसे नहीं बोला जाता है कि वो एक जीता जाता इंसान है, जिसका खुद का शरीर है और मन है, हमें हस्तक्षेप करना है क्योंकि वो इंसान है और उसे कोई तकलीफ दे रहा है। हमें इसीलिए मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एक किसी की बहन है, किसी की बीबी है। तो मुझे क्या लगता है ये जो एक बाय स्टैंडर्स से हमारा रोल अप स्टैंडर्ड, जो देखता है और कुछ नहीं करता, तो अगर समझो हम ऐसा मान ले कि ये ज्यादा से ज्यादा पुरुष ऐसे कर रहे हैं लेकिन एक परसेंटेज ऑफ पुरुष हैं जो अपने आप को संवेदनशील मानते हैं, जो अहिंसक, उनका कुछ रोल है क्या? ये जो समाज हमें हिंसा मुक्त बनाना है इसमें पुरुषों का रोल क्या है? तो ये तो कहीं तो टटोलना है और हमें एज अ फ्रॉम अ बाय स्टैंडर्ड हमें अप स्टैंडर्ड कैसे हो, ये हमें अलग अलग तरीके से अपने बर्ताव से दिखाना है। तो अगर हम चेंज चाहते हैं समाज, अभी जो मावा नाम की संस्था मैं चला रहा हूँ, हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि पुरुषों के साथ जो नौजवान खास करके पुरुष हैं इनके साथ लगातार काम करने पे, जब ये जो दृष्टिकोण है, क्योंकि क्या हो रहा है कई कई समाज के सभी अंग द्वारा जो दृष्टिकोण परंपरा से चलते आ रहा है वो उसे टटोलना, उसे एग्जामिन करना, इसके बारे में कुछ जगह बहुत कम मिलती है कि अगर हमें प्रश्न के जड़ तक काम करना है तो पुरुषों को इस तरह के मौके मिलने चाहिए कि वो खुद एग्जामिन करे, वो खुद जान ले कि उसकी परवरिश एज अ लड़का करके कैसी हुई। वो अभी समझो 17-18 साल का है लेकिन 17-18 साल की उम्र तक आने तक उसकी खुद की परवरिश कैसी रही। मुझे लग रहा है ये अगर स्पेस उसको दिया जाए और उसके द्वारा वो समाज में आम औरतों को कैसे देखा जाता है इसके बारे में वो कनेक्ट कर पाए, तो बहुत बार पुरुषों के साथ अगर काम करना है, लड़कों के साथ उनकी भागीदारी हमें बढ़ानी है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उनके ऊपर एक तरह का लेबल ना लगे कि बाबा ये तो अत्याचारी पुरुष हैं, ये तो हजारों सालों से अत्याचार करते हैं, इनमें से क्या बदल मुनासिब है। ये नजरिया न छोड़ते हुए हमें उनके अंदर इस तरह से स्पेस उनको देना है ताकि वो खुद सोचने लगे कि ऐसा क्यों, ये स्थिति क्यों। मुझे लगता है ये आज की
समय में ये बहुत ही आवश्यक है। तो अगर हम चाहते हैं कि एक समाज हमारा जो स्वस्थ हो, जो बिना किसी हिंसा पर आधारित हो, जो भेदभाव रहित हो, जो औरत को एक सम्मान देने वाला हो, तो इसमें पुरुषों को खुद पहल करनी चाहिए। आज की तारीख में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मतदान की है, अभी इसके लिए एक शब्द ज्यादा से ज्यादा कई क्षेत्र में बोला जाता है, वो वर्ड है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, जहरीली मर्दान। मतलब ये जो मर्दान की सोच है, ये ना केवल औरतों को क्षति पहुंचाती है, बल्कि उतना ही पुरुषों के ऊपर भी एक तरह से उनको एक अच्छा इंसान बनने से, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने से पीछे ले जाते। तो वो उसका जो जहरीला स्वभाव है, ये जो स्वरूप है इस मर्दानगी का, ये ना केवल महिलाओं पे, लड़कियों पे या इन जनरल समाज पे, लेकिन लड़कों के ऊपर भी, पुरुषों के ऊपर भी उसका दुष्प्रभाव जो हो रहा है। अभी ये इसके कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। ये जो जहरीली मर्दानगी है, ये अलग अलग तरीके से झलकती हुई दिखाई दे। एक तो भाषा के जरिए गाली गलोच, ज्यादा से ज्यादा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश है, वहां पे हमारे एक दोस्त थे मनीष कुमार। मनीष कुमार जब एक 15-1 साल पहले वो एक किसी संस्था से जुड़े हुए थे और एक झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के साथ उनका काम था एक इलाके में, और उन्होंने देखा कि एक 14-15 साल के जो लड़के हैं वो इस तरह से छोटे लड़कों के साथ बातचीत करते हुए, इस तरह की गाली गलौज करते हुए दिखाई दी, जो हम बोल सकते हैं माँ बहन के नाम पे गालियां देना, इस तरह के। तो जब उन्होंने ये सुना मनीष ने, तब उन्होंने क्या किया, उन लड़कों को एक साथ इकट्ठा किया और उनको एक कागज दिया और बोला कि आप जो भी अभी गालियां बोल रहे थे वो कागज पर लिखो। तो आपको आश्चर्य होगा कि 15-16 लड़के थे उस समय जब उन्होंने उनको इकट्ठा किया, और उन सभी लोगों ने लगभग 30-40 गालियां, जो अपशब्द हैं, वो लिखे। फिर अगला सवाल मनीष ने उनको पूछा, ये शब्द आपने कहाँ से सुने, कब सुने? तब उन्होंने बोला खुलकर कि ये शब्द हमने घरों से सुने, बुजुर्गों द्वारा सुने, चाचा के जरिए सुने, या और अन्य लोगों के जरिए खुलकर उन्होंने बोला। फिर उन्होंने अगला सवाल ऑब्वियसली पूछा कि इन शब्दों का अर्थ आपको पता है? तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कहा नहीं, मतलब इन शब्दों का अर्थ नहीं पता, लेकिन हम बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गुस्सा आया। तो गुस्सा आने पे इस तरह के शब्द बोले जाते हैं। तो ये शब्द जब उन्हें मनीष ने समझाया कि ये शब्द औरतों के जो ऑर्गन्स हैं, औरतों के पार्ट्स हैं, इनके ऊपर बोले जाते हैं। तो इस तरह के पुरुषों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनपे कुछ गालियां क्यों नहीं है? सिर्फ औरतों के शरीर के हिस्से के ऊपर गालियां ही क्यों? और अगर आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत आप अपनी माँ को या बहन को दे रहे हैं, तो सामने वाले को गुस्सा होते समय आप उस व्यक्ति के माँ और बहन के ऊपर जब गालियां देते हैं, तो उस व्यक्ति के माँ और बहन का आप कदर नहीं कर रहे हैं केवल, लेकिन अपनी खुद की माँ और बहन की भी बेइज्जती कर रहे हैं। ये एक सिंपल लैंग्वेज में लड़कों को बताना, और मैं आपको बताऊं कि इस मनीष ने उस एक छोटे से इंटरैक्टिव सेशन के जरिए एक तरह से गाली बंद क्लास उन्होंने लगातार शुरू किए, जो नियमित से वहां चलते आ रहे, और यही मनीष फिर आगे जाके अलग अलग समाज के वर्ग में महिलाओं के हकों के प्रति अलग अलग मुहिम चला रहा है। महिला समख्य नाम की जो एक संस्था है, जो बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, इन विभागों में काम कर रही है, यहाँ पे भी वो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। रिक्शा चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं, इनको भी वो
यू नो समझ उनकी बढ़ाने में कोशिश कर रहे हैं। तो ये लड़के ने अपने लेवल पे बातचीत करना चालू किया और लड़कों से एक तरह से एक कनेक्ट होना, यू नो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका मुझसे लेना देना क्या है। आज की तारीख में हम क्या देख रहे हैं कि बहुत बार पुरुषों को जेंडर से डिस्कनेक्ट किया जाता है कि एज इफ ये सवाल है औरतों का ही, यू नो। तो मुझे क्या लग रहा है कि ये अगर हम करने की कोशिश करें कि पुरुषों को कनेक्टेडनेस अगर लाना है, यू नो अगर समझो एक साधा उदाहरण है, हम बहुत बार पुरुषों पुरुषों में व्हाट्सएप के जरिए या किसी अन्य माध्यम के जरिए अगर कोई एक सेक्सिस्ट जोक, यू नो एक बदतर जोक कोई बेचता है जो औरत की गरिमा को क्षति पहुंचाता है, जो एक यू नो एक डेरोगेटरी है, तो बहुत बार सामने वाला जो पुरुष है जिसे ये मिलता है इस तरह का जोक, वो रिस्पॉन्ड करते हुए नहीं दिखाई देता है, यू नो वो उसे बोलेगा कि आइंदा अगर इस तरह के जोक भेजे तो मैं आपको एज अ फ्रेंड करके मेरे लिस्ट से निकाल दूंगा, इस तरह का एक रिस्पांस लेते हुए। या एक कोई लड़की को भी इस तरह का जोक मिले बहुत ही अपने पहचान वाले व्यक्ति द्वारा, पुरुष द्वारा, तो वो लड़की भी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर। मतलब क्या है कि आपके रिस्पॉन्ड न करने से एक बिफिटिंग रिस्पॉन्स जो होना चाहिए वो न करने से क्या होता है, आपने वो वायलेंस जो का जो स्वरूप है उसे नॉर्मलाइज कर लिया। ये तो आम बात, इसके ऊपर अगर कोई टिप्पणी ना किए तो भी काफी है, यू नो। मुझे लगता है कि कहीं तो आज अगर हम हिंसा या भेदभाव की बात करते हैं तो बहुत बार लोगों के सामने यू नो बलात्कार या छेड़छाड़ इस तरह की बातें आती, लेकिन जो हर मरा जिंदगी में जो औरत के प्रति दुयम बोला जाता है, इन जनरल नकारात्मक बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मिसोजिनी, यू नो ये जो हर मरा के दिनों में जो होता है, आम से आम बातों में जो यू नो जो एक सेक्सिज्म या यू नो मिसोजिनी है, इसके इसको भी प्रति प्रश्न करना चाहिए, इसको भी हर बार हमारे कॉन्वर्सेशन में लाना चाहिए। ये जब होने लगेगा तब आप एक कदम आगे हैं और एक यू नो एक सशक्त समाज की ओर आप बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है ये तीन चार बातें हैं कि मैं अपने लेवल पे क्या कर सकता हूँ। अगर पुरुष को यू नो पुरुषों को खुद एक तो जान लेना चाहिए कि बाबा देखो मेरा नजरिया इस सोच के अंदर आड़ है, यू नो मेरा नजरिया आड़, यू नो। तो मुझे क्या लग रहा है कि यही कहीं तो शुरुआत होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से बात रख ली कि हमें हमारा जो टॉपिक आज का है चर्चा का, अनलॉकिंग मैस्कुलिनिटी, मतलब एक तरह से लॉक में है यू नो और उसको अनलॉक करना है, जो जोखड़ में जखड़ा हुआ है। देखो बहुत बार हम बोल देते हैं ये जो पितृसत्ताक समाज हमारा है ये एक बहुत बड़ा प्रिजन है, ये एक जेल है जहां पे औरतें बंदीवान तो दिख रही हैं लेकिन पुरुष भी बंदीवान है उसी व्यवस्था के, ये बंदीवान नहीं दिख रहे, यू नो। अगर हम ये जानने लगे कि पुरुष भी उसी यू नो जो चेन्स हैं, श्रृंखला है जो चेन्स से यू नो औरतें बंधी हुई हैं कि उन्होंने इस तरह का रोल अदा करना है, अच्छी औरत कौन बुरी औरत कौन, उसी तरह से अच्छा पुरुष कौन और बुरा पुरुष कौन, इसके जो मापदंड हैं इनको प्रश्न करके मुझे जैसे जीना है, यू नो मुझे क्या होना है, मुझे भी उन्मुक्त होना है। ये जो वर्ड हमने पखवाड़े के लिए दिया उन्मुक्त, मुझे भी अपने चेन से दूर चले जाना है, एक मुझे भी अपने आप को रिहा करना है इस श्रृंखला से। ये जो सोच है बोझ है यू नो एक मर्दानगी का बोझ है कि मुझे अपना असली मर्द दिखाना है, असली मर्द है जो अपने आप को जैसे जीना है वो जी सके, अपने आप को जैसे व्यक्त करना है व्यक्त कर ले। अच्छा मर्द है वो जो सोचता है, जो विचारी है, यू नो।
तो ये परिभाषा हमें बदलनी है, और हमें पुरुषों को ये जो एक तरह से हम बोल रहे हैं ना कि एक तो मैस्कुलिनिटी या मर्दानगी को समझना है, उसका आज का स्वरूप कैसा है, और साथ ही साथ उसे बदलने के लिए अपने आप से शुरुआत करनी, मतलब उसे रीडिफाइन करना है, उसकी पुनर्व्याख्या करनी है, उसकी पुनर्व्याख्या करने के लिए शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए, अपने अंदर का जो मर्द है उससे जूझना है। तो बहुत बार हम देखते हैं ना कि इंटरजेनरेशनल डायलॉग पुरुषों पुरुषों में नहीं होते हुए दिख रहा है, कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की ओर जो पुरुष हैं, यू नो जो बुजुर्ग पुरुष हैं, ये नौजवान पुरुषों से जब संवाद करने लगे और इस तरह से खुलकर संवाद करने लगे कि देखो मैं मेरे अंदर का भी जो मर्द है वो मुझे बहुत बार बताता है कि आप हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए औरतों को, आपने हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए, आपने डोमिनेंट होना चाहिए, आपने हमेशा यू नो पहल आपने ही करनी चाहिए। यू नो रिलेशनशिप के मामले में भी देखो कि अगर एक लड़के ने समझो बोला आज मैंने 5 लड़कियों से दोस्ती कर ली, यू नो, और वही वाक्य अगर एक लड़की बोले आज मैंने 5 लड़कों से दोस्ती की, तो क्या है यू नो पहल अगर रिश्ते में करनी है तो पुरुषों ने ही करनी चाहिए कि उसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो मुझे क्या लग रहा है कि आज 21वीं सदी में हम देख रहे हैं कि एक तो महिलाएं जो हैं उनकी पारंपरिक जो चौकट है वो उन्होंने कब की उलांग चुकी, वो अपेक्षा है कि औरत ने घर और बच्चे की देखभाल, ये जो परंपरा से उनके ऊपर बोला जा रहा है इसको कब के उन्होंने उलांग दिया है, लेकिन पुरुषों ने अपने जो पारंपरिक चौकट है कि उसने ही कमा कर लाना चाहिए, उसने ही हमेशा जीतना चाहिए, उसने ही एक कदम आगे होना चाहिए, ये जो पारंपरिक जो भूमिका है इसको उसने आम पुरुषों ने अब तक उलांगा नहीं, यू नो। तो जब ये उतना ही फोर्सफुली होने लगे कि पुरुष भी इस बात से सहमत हो कि पारंपरिक चौकट अगर औरत तोड़ रही है तो मैं भी तोड़ सकता हूँ, मेरे अंदर का जो पुरुष है मुझे अलग अलग तरीके से बता रहा है कि ऐसे बिहेव करो, इस तरह से बिहेव करो, तो उसे बार बार जूझना, उसके अंदर अंदर के जो पुरुष से बार बार जो यू नो जो फाइट करना है, ये अगर निरंतर चलता रहे, यू नो ये लगातार एक प्रक्रिया करके चलती रहे, तो हम अपने अपने लेवल पे यू नो इस समस्या को लड़ने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे लगता है मैं यहीं रुकता हूँ, लगभग 12 बज चुके हैं एग्जैक्टली, और अगर कोई देख रहा हूँ कुछ लोगों ने बहुत कमेंट्स भेज रहे हैं, मैं कुछ पढ़ नहीं पाया, तो अगर कुछ कमेंट्स या कुछ सवाल हो या कुछ कोई बात रखना चाहे जो अब तक मैं बोला हूँ उस पे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, आपने इनफैक्ट बहुत ही गहरी बात है लेकिन बहुत ही सरल शब्दों में कही, मतलब सभी का जी चाह रहा है कि हम आपको सुनते जाएं। जैसे आपने इंडिकेट भी किया है कि टाइम हो चला है, तो कुछ कमेंट्स एंड वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन तो बहुत सारे आ रहे हैं यूट्यूब पे, हमारे जो साथी स्पेशली जो गांवों से जुड़े हुए हैं वो आपको काफी काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आपको ये तक एक अप्रिसिएशन मैं पढ़ना चाहूंगी कि धरती पर एक महापुरुष आ चुका है, एक कमेंट हमारे फील्ड से आया है, उन्होंने लिखा है वो चाह रहे हैं कि ये चीज रेप्लीकेट हो, बहुत सारे मनीष जी का आपने एग्जाम्पल लिया और बहुत सारे हरीश जी, अब हमें हमारे समाज को जरूरत है इन चीजों की, बट कुछ की क्वेश्चंस जो हमारे पार्टिसिपेंट से मिले हैं मैं आपके सामने पुट अप करना चाहती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ट्राई टू प्रोवाइड द आंसर्स। कुछ लोग तो सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं, आपसे सॉल्यूशन भी चाहते हैं, स्पेशली एक सवाल जो हमारे पार्टिसिपेंट से आया है, उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज के बारे में पूछा है कि हम लड़के लड़कियों में ये दोनों में ही पाया जाता है, और एज अ फैमिली जो पहला स्कूल होता है किसी बच्चे का, हम लड़कियों से तो काफी पेरेंट्स उसके ऊपर बात करते हैं, कन्वर्सेशन करने की अब शुरुआत हो चुकी है, कोशिश करते हैं, लेकिन कोई पुरुषों के साथ या लड़कों के साथ, छोटे लड़के जो होते हैं उनके साथ कोई बात नहीं करता है इस तरीके की, या एक झिझक रहती है पेरेंट्स भी, तो उसको कैसे ब्रेक करें उस चीज को, उस पर एक सवाल है जो 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 आपसे इसका सोल्यूशन चाहते हैं। एक दूसरा सवाल और है हरीश जी, कि एक पार्टिसिपेंट ने लिखा है कि इट इज
क्वाइट टफ टू बी अ मैन एज हस्बैंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स, जिस पर आपने बात भी की है, एज फादर्स एंड ब्रदर्स, तो हम इसको ईज कैसे करें? आपने लिखा है कि अपनी चौखट, पारंपरिक चौखट को लांगे, लेकिन इसको लांगे कैसे, इसकी शुरुआत कैसे करें? सो मिनी स्टेप्स अगर आप कुछ बता सकें उसके ऊपर है। और एक तीसरा सवाल अगर आप का टाइम अलाउ करता है तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और वो पूछ रहे हैं हमारे एक साथी कि हम कितने कंफर्टेबल हैं, या कितने वल्नरेबल मैन के साथ हम कितने कंफर्टेबल हैं, और स्पेशली एट लीडरशिप पोजीशंस, आर वी रेडी टू एक्सेप्ट अ वल्नरेबल लीडर? ये कुछ सवाल है, तीन सवाल अगर आप इस पे जवाब दे सकें। तो बड़े इंटरेस्टिंग ये सब मुद्दे हैं, सवाल हैं। तो सबसे पहले जो बात है ना कि सेक्सुअल अब्यूज, और वो अगर रोकना है समाज में, तो सेक्सुअलिटी के बारे में, यौनिकता के बारे में खुलकर बात करना, और जो हमारा समाज है, आप देख सकते हैं कुछ लगभग 70-80 साल पहले, या एक तरह से बहुत ही ओपननेस थी कुछ चीजों के बारे में। हम देखते हैं बहुत सारे मंदिरों में इस तरह के अलग अलग फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी, इनको दर्शाना और इनको सेलिब्रेट करना, ये जहाँ पे हुआ करता था वहां पे आप देखते हैं कि अभी सिंपल से सिंपल बातें जो यौनिकता के बारे में है वो बोली नहीं जाती खुलकर। तो वो अगर हमने जान लिया कि उम्र में आने वाले हर लड़के और लड़की को इस तरह की यौन शिक्षा मिलनी चाहिए, अगर पहली बात है, अगर मेरी जैसी जो संस्था है या और कोई सेवा मंदिर जैसी संस्था है, ये अगर 15 स्कूलों तक पहुंचे या 20 कॉलेज तक पहुंचे, तो हम कुछ लिमिट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हर उम्र में आने वाले लड़के लड़की को ये अगर मिलना जरूरी है, तो इसके लिए कोशिश क्या होनी चाहिए कि सरकार ने ये स्कूलों के जरिए हर एडोलेसेंट बॉय और गर्ल को ये मिलना चाहिए, इसके लिए एक प्रेशर बनना चाहिए कि ये हर एक ग्रोइंग अप बॉय और गर्ल के लिए ये बहुत आवश्यक है, ये लाइफ स्किल्स एजुकेशन है, ये केवल एक यौन शिक्षा इसे न बोलते हुए। और बहुत बार क्या होता है, आम लोगों का जो नजरिया है यौन शिक्षा के बारे में कि मेल एनाटॉमी, फीमेल एनाटॉमी ये कैसे होते हैं, और इनमें प्रजोत्पादन कैसे होता है, इनमें बच्चा कैसे पैदा होता है, इनमें प्यार कैसे होता है, ये बातें तो हैं, ये मैं बोलूंगा एक तृतीयांश है जो हम बोलेंगे सेक्सुअलिटी एजुकेशन, नॉट जस्ट सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअलिटी यौनिकता शिक्षा। तो इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि कंसेंट और डिसेंट रिलेशनशिप में ये क्या होती है कि दो व्यक्तियों के बारे में जब हम रिश्ते की बात करते हैं तो एक को ना कहने का अधिकार है, एक को अपने मत व्यक्त करने का अधिकार है, और दूसरे को उसकी कदर करने का। तो ये एक, अगर बचपन से ही कंसेंट नाम की चीज क्या है या डिसेंट नाम की चीज है क्या होती है, ये अलग अलग तरीके से लड़कों में और लड़कियों में बताया जाए, तो उसको वो आगे उसको एक्सप्रेस भी कर पाएंगे सही तरीके से। तो ये एक होना चाहिए। दूसरा, पीयर प्रेशर के प्रति लोगों ने दबना नहीं चाहिए, लड़कों ने, उसे जैसे लग रहा है कि जो सही है कोई भी हेल्दी रिलेशनशिप में वही कदम उठाने चाहिए। मुझे क्या लग रहा है कि एक तो बचपन से ही व्हाट इज अ गुड टच, बैड टच, हेल्दी टच, एक कम्युनिकेशन ओपननेस जो होना चाहिए पेरेंट्स के अंदर होना चाहिए अपने लड़के और लड़कियों के प्रति, और टीचर्स ने वो एक तरह का एक एनेबलिंग एनवायरमेंट जहाँ पे इस तरह की बातें खुलकर बोले। हम समाज में क्या देखते हैं कि अगर कोई एक लड़का या लड़की अगर घर पे इस तरह उनके साथ कोई बुरा व्यवहार हुआ हो, तो जब वो व्यक्त करते हैं तो सामने वाला एक तो बिलीव नहीं करता। तो मुझे क्या लगता है, एक तो जो वो जैसे बोल रहा है उसे है वैसे एक्सेप्ट करना, और फिर उसके बारे में बातचीत करना, उसके बारे में
खुलकर बोलना, उसको एक तसल्ली देना कि ये तुम्हारे साथ हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ है एक तरह का, और इसमें तुम्हारा कुछ कसूर नहीं है। मुझे क्या लगता है, ये बातें जितनी साफ और खुलकर, यू नो, जरूरत हो तो कोई एक काउंसिलर या साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, यू नो, इनकी सहायता भी ली जाए, लेकिन इस तरह के संवाद। और मैं आजकल देख रहा हूँ कि नगरों में, शहरों में, यू नो, इस तरह के टीचिंग एड्स हैं, कोई, यू नो, वीडियोस हैं, किताबें हैं जो शास्त्रीय पद्धति से यौन शिक्षा के बारे में, यू नो, और बहुत सारे जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, इन्होंने कई सारे टीचिंग एड्स और टूल्स भी बनाए हैं। हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि आम से आम लड़के तक और लड़की तक ये कैसे पहुंचे, वॉट आर द डूज एंड डोंट्स, यू नो, विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सेक्सुअलिटी एजुकेशन। ये मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, यू नो, हर एक लेवल पे, ना कोई एक संस्था के ऊपर डिपेंड करे या स्कूलों पे, लेकिन एज अ ग्रोन अप एडल्ट वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव द डायलॉग, टू गिव द स्पेस फॉर द डायलॉग, यू नो, अमॉन्ग द यंगस्टर्स। तो ये एक पहला था सवाल। मुझे लगता है दूसरा मुद्दा क्या था, अभी भूल गया, तीन सवाल आपने बोले थे तो वो एक लीडरशिप एंड मैस्कुलिनिटी पे था कि हम कितने कंफर्टेबल हैं वल्नरेबल मेन के साथ ऑन लीडरशिप पोजीशंस। तो मुझे क्या लग रहा है कि एक बहुत ही आयाम जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का, जो जहरीली मर्दानगी का, उसका संबंध कहीं तो भी हमारे स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप हमारे आसपास दिख रहे हैं, फिर वो चाहे किसी राष्ट्र के प्रमुख हो, यू नो, जैसे हमने देखा कि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से एक, यू नो, जिसको एक इंग्लिश में शब्द है नार्सिसिज्म, यानी कि आत्ममग्न, मतलब वो अपने ही इसमें मशगूल हैं, भले उसके जो एक्सपर्ट्स हैं किसी क्षेत्र के, या वो समझो कोविड के बारे में देखिए, वो कुछ बता रहे हैं कि हमें कुछ संकेत अगर फॉलो करने हैं, अगर एक सशक्त समाज के लिए, तो उनको भी झिड़कारना, उनको भी नजरअंदाज करना और अपने ही जोश में वो रहना। तो ये जो एक है वो हम अलग अलग स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप पे, ट्रंप के बारे में और एक उदाहरण था कि लॉकर रूम डायलॉग, ये जो शब्द प्रयोग जब वो पहली बार इलेक्शन में आए थे 5 साल पहले, तब उनके बारे में ऐसे पाया गया कि वो इन जनरल औरतों के बारे में नकारात्मक बोला करते थे, तो उन्होंने उसको बाजू में करते हुए कहा ये तो लॉकर रूम डायलॉग है, मतलब ये एक छोटे लेवल पे निजी तौर पे मैं अगर कुछ बातें करता हूँ तो वो मेरे व्यक्तिगत हैं, वो मैंने आम लोगों के लिए नहीं बोले हैं, लेकिन ये एक रोल मॉडल है कि आप एक लीडर हो तो आप जो एक भूमिका लेते हो तो एक, यू नो, सबके लिए उसका असर हो रहा है, सब लोग वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, वो आपका खुद का निजी नहीं बन जाता जब आप इस तरह के वक्तव्य करते हो, यू नो, जो खास करके औरतों के बारे में। तो मुझे क्या लग रहा है, अपने उदाहरण से भी लोग बता रहे हैं कि मैं किस तरह का लीडर हूं, तो उसमें भी वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी झलकती है। लेकिन अगर एक सही लीडर वही है, वो भी है कि जो अपने आप को बता रहा है कि देखो मैं भी वल्नरेबल हूँ, मैं भी, यू नो, मुझ में भी कुछ गलतियां हो रही हैं, जो अपने फॉलोअर्स, अपने साथियों को साथ में लेकर जा रहा है, और हो सकता है वो साथी कुछ मामलों में उनसे कुछ कदम आगे हैं, या वो साथी हैं वो अपना एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझसे, यू नो, गलती हो रही। उसी तरह से लीडर ने भी बोलना चाहिए कि, यू नो, मेरी राय इस बारे में ऐसी है, आपको क्या लगता है, या मैं अपने विचार खुलकर नहीं रख सकता हूँ, मतलब, यू नो, अपने जो एंग्जाइटीज हैं और अपने साथ भी जो वल्नरेबिलिटी है, मेरी जो दुर्बलता है, मेरी जो बातें हैं कुछ अब तक मैं नहीं बता पाया, यू नो, वो आज मैं बेझिझक बोलना चाहता, तो इस तरह से भी हो सकता है, या, यू नो, इनसिक्योरिटीज हैं, असुरक्षितता है किस मामले में, यू नो, तो वो भी मुझे लग रहा है कि, यू नो, एक कहीं तो भी पोजेसिवनेस जो आता है, मालकित्व,
की जो भूमिका है वो जहां पे हावी होती है तो वहां पे ये यू नो इनसिक्योरिटीज बढ़ती हैं। तो वो इनसिक्योरिटीज को अगर हमें दूर करना है तो हमें है वैसा व्यक्त करना है। मैं जैसा हूँ यू नो एक पुरुष होने के नाते मैं जी रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ऐसा एहसास है। आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू टर्बुलेंस, आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू इनर टर्मोइल। ये जब वो बोलने लगे दैट इज अ साइन, हेल्दी साइन ऑफ अ गुड लीडर। मुझे क्या लगता है कि ये हमें परिभाषा बदलनी है और एक अलग सी परिभाषा रखनी है सबके सामने कि लीडर अलग तरीके के होते हैं। और कहीं तो भी ये यू नो गांधी जी का एक फेमस जो वाक्य है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। आप जो दूसरों में बदल चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बाकी के पुरुषों ने खुलकर बोलना चाहिए तो ये आप पे भी लागू है। यू नो कि यू आर एक्सपेक्टिंग दैट दे शुड बी फाइटिंग, दे शुड बी इमोशनली स्ट्रांग। तो इमोशनली स्ट्रांग का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जब मेरे हाईज और लोज, जब मैं कोई हाई सिचुएशन में हूँ, बहुत ही यू नो अपने आप को बहुत ही हाई लेवल की सिचुएशन में हूँ, और उसी तरह से जब मैं लो में हूँ, यू नो मैं बहुत बार जब विद्यार्थियों के साथ काम करता हूँ, नौजवान युवाओं के साथ, मैं उनको बोलता हूँ आप एक पर्सनल डायरी रखा करो, यू नो जिस डायरी में जब आपको जैसा लगे वैसा यू नो कागज पे अपने लफ्जों में लिख। जब आप एकदम हाई में हो, जब आपने कुछ हासिल किया, कुछ जीता, तो उस पे इतना भी खुश ना हो कि इस बात का एहसास हो कि बाबा मैं ये जो है मुझे यश मिला हुआ है ये कई कदमों का एक फल है, और मुझे इसके ऊपर इतना हर्ष भी नहीं होना है क्योंकि मुझे आगे जो समय आएगा, कुछ ऐसे समय भी आएंगे जब मैं यू नो नाकाम भी होऊंगा कुछ समय के लिए। तो ये एहसास होना, जब मैं हाई में हूँ तब भी लिखता हूँ और जब मैं लो स्थिति में हूँ, तो जब ये अपने आप अपने खुद के लिए लिखोगे एक पर्सनल डायरी में, तो वो एक कदम आप यू नो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड गोइंग टूवर्ड्स अ फाइन ह्यूमन बीइंग जो बोलते हैं ना, कदम एक अच्छा इंसान बनने की कदम के लिए है। मुझे लगता है अच्छे लीडर की वो भी क्वालिटी है कि यू नो जब मैं लो में हूँ तब शायद मैं शेल में जाऊं, अपने आप को एक यू नो कवर करूं, लेकिन जब मैं उसे भी व्यक्त करने लगूं कि देखो मुझ में ये है, ठीक है मुझ में भी ये खामियां हैं, मैं भी ऐसे आपको मानता हूं कभी कभी, यू नो ये अगर वो जितने ज्यादा लोगों के सामने खुलकर बोले दैट इज अ वेरी हेल्दी साइन। सो यू नो नॉर्मली यू नो हमारे जो यश और अपयश के जो मापदंड है इसको हमें यू नो री एसेस करना है, इसको फिर एक बार देखना है और ये जानना चाहिए कि अगर अपनी मर्यादाएं, अपने जो कमजोरियां हैं, अपनी जो खामियां हैं, अपनी जो दुर्बलता है, उसे व्यक्त करना ये एक स्ट्रांग मैन की निशानी, एक स्ट्रांग पुरुष, एक स्ट्रांग व्यक्ति की निशानी है। ये अगर हम मानने लगे तो फिर आगे से इस तरह से कोई संकोच हमारे मन में ना होगा, यू नो अपने आप को प्रस्तुत करने में, अपने आप को जैसा है वैसे व्यक्त करने में। धन्यवाद धन्यवाद हरी जी, काफी अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चंस को रिजॉल्व किया है। देयर आर मेनी मेनी क्वेश्चंस कमिंग अप, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं अपोलोजाइज करना चाहती हूँ मेरे पार्टिसिपेंट्स से जिनका मैं क्वेश्चन नहीं ले पाई हूँ, एंड क्योंकि लीडरशिप की बात हो रही है तो मैं अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगी एंड इनवाइट करना चाहूंगी सेवा मंदिर के मुख्य संचालक रौनक शाह जी का कि वे आए इस मंच पर और आप इस वेबिनार के समापन की ओर हम जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है रौनक जी, आप प्लीज कुछ शब्द कहें। नमस्कार सभी को, नमस्ते हरीश जी। आई थिंक इट वॉज अ वंडरफुल टॉक said in a very humble way, मुझे लग रहा है आपने जिस तरह से अपने विचार रखे हैं लेकिन उसको जिस रूप में रखा है वो उसको समझने के लिए, पहचानने के लिए बहुत जरूरी है ये विचारों को इस तरह से रखना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। I enjoyed
पर्सनली मैंने बहुत एंजॉय किया है, बट जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं आई एम श्योर बाकी लोगों ने भी इस पे काफी इसको सराहा है, तो आप को धन्यवाद उसके लिए। थिंक दिस टॉपिक जो हमने पखवाड़ा मनाना शुरू किया 25 नवंबर को और हम उसके समापन पे है औपचारिक रूप में तो आज करेंगे, पर अभी भी दो दिन कुछ गतिविधियां जारी रहेगी गांव में। ये हमारा हर वर्ष का एक तरह से समय है जब हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर जो समाज में अगर हम 100 साल पीछे भी चले जाएं तब भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना आज भी महत्वपूर्ण। इसके स्वरूप शायद बदले होंगे लेकिन हिंसा अपने आप में हमेशा ही गलत चीज रही है और वो उसका विरोध शायद 100 साल पहले गांधी जी ने भी उतना ही स्ट्रॉन्गली किया था और शायद आज भी वो उतना ही लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मैं ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा, बात रखूंगा, बहुत अच्छे विचार से अपन इसको समापन कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मेरी पर्सनल जो राय मतलब ये जो मानता हूँ यही है कि हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं होती है, उससे ज्यादा बड़ी हिंसा मानसिक अंदर से मन को जो हिंसा से हानि होती है और व्यक्ति का व्यक्तित्व उससे जितना नकारात्मक हो जाता है उससे उभरने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। शारीरिक हिंसा से जो दिखने वाले जख्म तो भर जाते हैं लेकिन जो सपोर्ट चाहिए जो इसमें विक्टिम होती है महिलाएं या काफी बार पुरुष भी, लेकिन अधिकतर अभी भी हमारे समाज में महिलाओं को इसको झेलना पड़ता है। मतलब किसी ने आपको गलत नजर से देख लिया, किसी ने आपके आपको एक छोटा टॉन्ट बोल दिया कि आप मतलब वो जो उसकी एक स्त्री होने के नाते महिला होने के नाते आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो उस बात को और उस पे जो एक बात रख दी जाती है छोटी सी भी बात होती है जब या हम सिर्फ बोलने में बोल जाते हैं वो भी उतनी ही वायलेंस है जितना हम उसको फिजिकल वायलेंस तक देखते हैं। तो डे टू डे लाइफ में हमारे परिवार में समाज में जहाँ हम काम करते हैं साथ ही जहाँ हम ट्रैवल करते हैं हर जगह पे ये चीज इम्पोर्टेंट है कि हम सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या हमारी बॉडी लैंग्वेज है, किस रूप में हम अपने व्यक्तित्व को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये इस पखवाड़े का मेरा तो लर्निंग है जितना पिछले 15 दिन से सुन रहा हूँ और इस पे हम और हर वर्ष बात करते हैं अक्रॉस ईयर, पर ये 15 दिन हमें याद दिलाता है कि ये मुद्दा इम्पोर्टेंट है। और हरीश जी ने जिस चीज को आज एंड जिस तरह टॉपिक में रखा है मैस्कुलिनिटी एक सामाजिक सिस्टम का देन है, नॉट अ बायोलॉजिकल सिस्टम। आप व्यक्ति को आज जो लीडरशिप की आपने बात की लास्ट में या नॉर्मली भी हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पुरुष ही मैस्कुलिनिटी एक्सप्रेस करते हैं, महिलाओं को भी उसके अगेंस्ट में अगर अपने आप को प्रेजेंट करना है तो मैचो दिखाना पड़ेगा अपने आप को, अदरवाइज देन शी इज नॉट बिकमिंग मतलब वो आप विरोध बोलिए या जिस रूप में बोलिए कि भाई मैं उसमें अगर पुरुष की तरह बिहेव ना करूं, स्ट्रांग नहीं दिखाऊं, घर में अपना दबदबा ना हो, समाज में ना हो, तो वो तो उस रूप में महिलाओं को भी दिखाया जाता है जितना। तो आई थिंक मैस्कुलिनिटी सिस्टम जो सामाजिक रूप में बना है उसका हमें विरोध ज्यादा करना चाहिए। थिंक दैट विल चेंज द सिस्टम रादर देन मेल एंड फीमेल विल चेंज द सिस्टम। बट थैंक यू वेरी मच, मैं धन्यवाद ऑफिशियली भी पूरी इस वेबिनार की जो सीरीज आपने की है, जो चारों हमारे स्पीकर हैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, भरत जी, कृतिका, बेनिता और हरीश जी, आपने इस पूरे पखवाड़े के लिए हमें अलग अलग टॉपिक से अवगत कराया। इस पे चर्चा लंबे टाइम तक सेवा मंदिर में जारी रहेगी,
ये मेरा मान मुझे ये विश्वास है कि बहुत सटीक टॉपिक तो जिस तरह से आपने चर्चाएं रखी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कम्युनिटी में जो हमारी महिलाएं हैं, लीडर्स हैं, जो हमेशा ही हमारे लिए मोटिवेशन और उनकी रेजिलियंस, उनकी ब्रेवरी जो है वो हमें ताकत देती है इन मुद्दों पे बात करने के लिए सोसाइटी में और उस पर काम करने के लिए। और वो अभी सुन रही है हमको, उन्होंने पूरे पखवाड़े में जिस तरह से पार्टिसिपेट किया है, सो थैंक यू वेरी मच, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डोनर्स जो भी हमारे CSR पार्टनर्स हैं, JK टायर्स, कोलगेट, एक्सिस बैंक फाउंडेशन, CGCL, LNT और अन्य जो भी हमारे डोनर्स हैं जिन्होंने इसको गांव में ऑर्गेनाइज कराने के लिए हमें सपोर्ट किया, उनको भी धन्यवाद। मेरे सभी वॉलेंटियर्स, स्टाफ जिनने बहुत मेहनत की है इसको हर जगह पे ऑर्गेनाइज करने के लिए महिलाओं के साथ, क्योंकि बात हम यहाँ करते हैं लेकिन उसका फॉलो अप चर्चाएं वो लगातार वहां कर रहे हैं, और उसमें जो पॉइंट्स आएंगे वो पुनः हमसे, हम सब संस्था में उस पे बात करेंगे, तो उनको अपनी पूरी मेहनत तैयारी के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। एंड लास्टली इस पूरी चर्चा को, इस पखवाड़े को जिन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज किया है, वो हमारी पूरी टीम, सुनीता जी, वर्षा, कविता, अनु, लक्ष्मी और अन्य सभी साथी, टेक्निकल टीम, थैंक यू वेरी मच। इट वॉज अ वंडरफुल फोर्टनाइट, बहुत अच्छा लगा, एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर मोर टॉपिक, मोर डिस्कशन आप संस्था के अंदर। सो देन थैंक यू वर्षा फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी एंड वी क्लोज इट फॉर्मली टुडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रौनक जी। Thank you to all the participants, and sorry once again for not passing on to the questions to our speaker. But a big thanks to Harish ji sir, आपसे in person जल्दी मुलाकात करेंगे, सेवा मंदिर में आपका स्वागत है, जल्दी मिलेंगे। और thank you to all the participants, special thanks जो बाहर से जिन organization ने join किया है, thank you very much. It was a wonderful session, Harish ji, loved it. Thank you. Thank you.